तो डॉक्टर ज्योति कपूर, एक चीज और बताइए मुझे कि आप बच्चों के क्या कारण होते हैं आखिर तनाव में आने, क्योंकि बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता, मासूम होते हैं, तो उनके क्या कारण है इस सिम्टम्स के? आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा है जो ऑलमोस्ट डेली हम ओपीडी में डिस्कस करते हैं। देखिए, तनाव या स्ट्रेस जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। तनाव या स्ट्रेस को अगर हम साइंस या फिजिक्स की नजर से देखें, उसका मतलब ये है कि आप पे कोई दबाव आ रहा है या आप पे कोई फोर्स पड़ रही है और आपको एडजस्ट करना है या अडाप्ट करना है। तो हम जब भी किसी स्थिति से एडजस्ट करते हैं, अडाप्ट करते हैं, तो स्ट्रेस पैदा होता है। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, तो स्ट्रेस कोपिंग जिसको बोलते हैं, तनाव सहने की क्षमता जो बोलते हैं, वो कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, जन्म से होती है, जिसको हम अपना टेम्परामेंट भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे इजीली चीजों से एडजस्ट कर जाते हैं, या वो स्कूल में डालते हैं तो जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बाकी लोगों से आसानी से बात करने या उनके साथ कांटेक्ट में आने पे कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये एक जेनेटिक या एक बायोलॉजिकल है, कैपेसिटी है स्ट्रेस को या बदलाव को मैनेज करने की। और दूसरा होता है हमारा एनवायरनमेंट, कि हमारे माहौल में कितना तनाव है। तो हर व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रेस परसेप्शन होता है, मतलब तनाव को वो महसूस करते हैं और उसे रिएक्ट करते हैं। आजकल अगर हम बच्चों की बात करें तो माहौल में तनाव ज्यादा है। पिछले 2-3 साल की अगर बात करें, देखा जाए तो कितना कुछ नेगेटिव हमारे माहौल में चल रहा था पैंडेमिक के चलते, या घरों में आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चों के लिए वो भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है कि माहौल में स्ट्रेस है, माहौल में तनाव है, और उससे उनका तनाव का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। दूसरी भाषा में, अगर हमारा अंदर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, एक तरह का स्ट्रेस केमिकल बढ़ता है, एक रसायन बढ़ता है, तो वो रसायन जो है हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में बढ़ता है, बच्चों में भी बढ़ता है, बड़ों में भी बढ़ता है। और हमारे जेनेटिक मेकअप और हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। और ये मैनेजमेंट की कैपेसिटी बच्चों में आमतौर पे बड़ों के कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए वो तनाव का जल्दी शिकार होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर ज्योति कपूर, एक सवाल और है मेरा। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारी घरेलू लड़ाई हो जाती है, तो उसमें हमें इतना गुस्सा आता है कि उस गुस्से को मतलब कम करने के लिए हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। मतलब हम ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल लोग नहीं शायद वो करते कि गुस्सा आता है कि अपना सर फोड़ लिया या फिर अपने आप को चोट दे दी, तो उस स्थिति में लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम साइकाइट्रिक लैंग्वेज में सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर बोलते हैं, SIB के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे अभी हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, यदि तनाव होता है तो हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, आमतौर पर आपने सुना होगा, इसको हम फ्लाइट ऑफ फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, कि अगर हमें कोई ऐसी चीज हमारे सामने होगी जो जिससे हमको डर लगता है या घबराहट होती है, तो हम उससे लड़ते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। तो कई बार अगर हम कॉर्नर महसूस करते हैं या हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते हैं और हमारे अंदर में फ्रस्ट्रेशन, एंगर वो बढ़ता चला जा रहा है, तो वो जो एग्रेशन है जो बाहर हम दिखा नहीं पाते हैं, वो अपने ऊपर आने लग जाता है। मतलब कि हम उसे सेल्फ डायरेक्टेड कर देते हैं और इसे हम सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर कहते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर साइकाइट्रिक कंडीशंस होती हैं या पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति की तनाव सहने की क्षमता बहुत कम है और इसके चलते वो सही रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें और सेल्फ हार्म करने लग जाते हैं। और सेल्फ हार्म की जो कंडीशन होती है वो एक्सटेंसिव होके अगर वो बहुत बढ़ जाती है, तो वो फिर सुसाइड करूँ ही ले लेती है। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति।